Hello everyone, I am Poonam Sharma from Purnamurti Global School. Today I will explain chapter 4 for students of grade 8. Grade 8 ke students ke liye chapter 4 ko explain karungi. This is your chapter 4 and it is an English reader. Okay, Eidgah, the name of the chapter is Eidgah. ईदगाह क्या होता है, जो मुस्लिम जो टेंपल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं इधर, मुस्लिम जहाँ पे जाते हैं, जैसे हिंदू जैसे टेंपल होता है वैसा ही होता है, ईदगाह भी जाते हैं वो. देन लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस स्टोरी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिक फाउंडेशन बिटवीन अ फैमिली. एक यूनिक फाउंडेशन है फैमिली के बीच में, कैसे मतलब एक दूसरे की केयर कैसे करते हैं, एक यूनिक फाउंडेशन होता है, एक स्पेशल फाउंडेशन होता है. हियर वी कैन सी ट्रू लव बिटवीन द पीपल हु हैव ब्लड रिलेशन, दैट इज रियली द गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन बींग्स. हामिद्स लव फॉर हिज ग्रैंड मदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लव फॉर एल्डर्स. यहाँ पे जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि हियर वी कैन सी ट्रू लव बिटवीन द पीपल हु हैव ब्लड रिलेशन. जिन यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम वो देखेंगे जिनके ऐसे लोग जिनका ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, मीन्स जो एक ही ब्लड से बिलोंग करते हैं, एक ही ब्लड उनका ब्लड सेम ब्लड होता है, तो उनका रिलेशन कैसा होता है. दैट इज रियली द गिफ्ट ऑफ गॉड, वो गॉड की तरफ से गिफ्ट होता है टू ह्यूमन बींग्स के लिए. मीन्स अगर फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठे रहते हैं, प्यार से रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, तो इससे अच्छा गिफ्ट कोई भी नहीं हो सकता. इस अर्थ के ऊपर सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, अपनी फैमिली के साथ, अपने एल्डर्स के साथ अच्छे से रहना ही हमारे लिए जो गॉड की तरफ से गिफ्ट होगा वो है. हामिद लव फॉर हिज ग्रैंड मदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लव फॉर एल्डर्स. एक हामिद लड़का है यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर, वो अपनी मदर ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए भी, और जितने भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि हमें अपने एल्डर्स का कैसे ख्याल रखना चाहिए और कैसे उनको उनकी केयर करनी चाहिए. इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि हामिद जो है वो अपनी ग्रैंड मदर की कैसे हेल्प करता है, कैसे उसकी केयर करता है, ठीक है. वेरी एक्साइटेड यहाँ पे फिर है, और फुल 30 days आफ्टर रमजान कम्स ईद. अ फुल 30 days आफ्टर रमजान कम्स ईद. रमजान के बाद ईद आती है 30 days के बाद. इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज, इट वॉज अ ग्लोरियस होता है ब्राइट, वेरी शाइनिंग. इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज एगो विद एक्साइटमेंट. द विलेजर्स आर वेरी एक्साइटमेंट, बहुत ही उत्साहित थे वो, बहुत ही जो विलेजर्स थे वो बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे, बहुत ही हैप्पी थे वो. पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह, और जो लोग थे वहाँ के हामिद के जो नियर एंड ईयर्स थे, जो नेबर्स वगैरह थे, सभी ईदगाह के लिए रेडी हो रहे थे. बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज हामिद अ लिटिल बॉय ऑफ 4 or 5. बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग थे उन सब में सबसे ज्यादा जो खुश था वो कौन था, हामिद अ लिटल बॉय ऑफ 4 or 5 ईयर की एज का एज थी उसकी. एन ऑर्फन, ऑर्फन ही लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर. एक ऑर्फन था, ऑर्फन होता है अनाथ हुज पेरेंट्स डाइड, हैव डाइड मीन्स जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसको बोलते हैं. और वो अपनी मदर ग्रैंड मदर के साथ रहता है, मीन्स अपनी दादी जी के साथ रहता है. ही लिव्ड विद ग्रैंड मदर अमीना, द नेम ऑफ द ग्रैंड मदर इज अमीना. अमीना के साथ रहता है वो, रहता था एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, उसकी ही गोद में सो जाता था वो, सोता है. एंड थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक विद बैग्स फुल ऑफ मनी एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हेवन विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स.
जो उसके फादर थे वो ये सोचता था कि उसके फादर आएंगे और बहुत सारा पैसा लेके आएंगे बैग भर के, एंड हिज मदर वुड बी बैग, एंड ही थॉट दैट हिज मदर वुड बी बैग, ही सी इज ऑल्सो कम बैक फ्रॉम द हेवन, हेवन से वो वापिस आएगी विद ब्यूटिफुल गिफ्ट, एंड जो उसकी मदर है वो भी गिफ्ट लेके आएगी उसके लिए बहुत सारे. होप इज वंडरफुल थिंग्स एंड देन अ चाइल्ड्स होप. होप तो जो होप होती ना वो एक वंडरफुल थिंग्स होती है, बहुत ही अच्छी वो होती है किसी भी पर्सन के लिए. होप इज अ वंडरफुल, किसी भी पर्सन को होप नहीं छोड़नी चाहिए, और एक बच्चे के लिए तो होप बहुत ही मायने रखती है. उसको जब भी पेरेंट्स घर से बाहर होते हैं तो पेरेंट्स जब घर पे जाते हैं तो यही सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ लेके आएंगे, हमारे फादर बाहर ड्यूटी पे गए हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे. आप भी ऐसा ही सोचते होगे है ना, और आते ही अपने फादर से पूछते हो ना कि आज क्या लेकर आए हैं आप, है ना. तो ऐसा ही उसके लिए था हामिद के लिए. देन पुअर अमीना सेट इन हर हाउल एंड प्राइड. हाउल होता है स्मॉल हाउस और वेरी लिटल कॉटेज. पुअर अमीना सेट इन हर हाउल, अपने घर में बैठी हुई है वो छोटे से घर में, एंड प्राइड रो रही थी. इट वॉज ईद एंड सी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस. ईद का फेस्टिवल कितना प्लेजेंट होता है, कितनी खुशी देने वाला होता है, लेकिन उनके घर में क्या नहीं था, एक भी दाना नहीं था अनाज का. सी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. सी वॉज फिल्ड विद ग्लूम एंड डिस्पेयर. ग्लूम होता है सैडनेस और वेरी ग्रीन. डिस्पेयर होता है लेस मीन्स बहुत ही ज्यादा दुख था उसको. व्हेन हामिद एंटर्ड द हट एंड सेड यू मस्ट नॉट वरी अमा, आई विल बी कम बिफोर एनीवन एल्स. वो सी वॉज फिल्ड विद, वो ऐसे ही बैठी हुई थी उदास, और जैसे ही वो जो हामिद है वो घर के अंदर आता है वो कहता है कि यू मस्ट नॉट वरी, आप चिंता मत करो अम्मा, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा. मीन्स वो भी जाने के लिए रेडी है वहां पे, कहां पे, ईदगाह पे, ठीक है. देन फिर क्या होता है, आफ्टर अमीना सुनो, अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट. अब वो उसको हग करता है. आफ्टर फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट, अराउंड हर हार्ट अदर चिल्ड्रन वर. आफ्टर फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट, अपने उसको जो अमीना है उसका जो हार्ट है वो उसको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है. और अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर, बट हामिद हैड नो वन टू अकंपनी विद. अकंपनी होता है साथ में, किसी के साथ, किसी का साथ देना. अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर, जो अदर जो उसके फ्रेंड्स थे हामिद के वो अपने फादर के साथ जा रहे थे कहाँ पे, ईदगाह जो फेयर था वहां पे, ठीक है, वहां जा रहे थे सभी ईद का मेला देखने के लिए ईदगाह में. एंड जो हामिद था, हामिद के साथ कोई नहीं था उसके घर से, बिकॉज हिज ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड. ही वॉज सी वॉज अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली, और सी वॉज अनेबल टू गो विद द हामिद. हामिद के साथ जाने के लिए वो सक्षम नहीं थी इतनी ज्यादा. ही हैड नो शूज एंड हैड टू वॉक 3 miles. अब हामिद के पास शूज भी नहीं थे और उसको कितने 3 miles का जो डिस्टेंस है वो कवर करनी थी, उसको 3 miles तक चलना था, मीन्स बहुत दूर तक जाना था उसको. ही वुड गेट ब्लिस्टर. जब ब्लिस्टर होता है जब मीन्स जैसे हम नंगे पैर चलते हैं ना तो पैरों में छाले हो जाते हैं उसको बोलते हैं वो. ही वुड गेट ब्लिस्टर. वो उसकी जो मदर है, ग्रैंड मदर, वो सोच रही है कि उसके जो पैर है उसमें ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, मीन्स छोटे जो छाले वगैरह है वो आ जाएंगे. देयर वर ओनली 8 paise इन द हाउस, और उसके घर में ओनली 8 paise थे. कितने पैसे थे, 8 paise थे घर के, घर में 3 in Hamid's pocket, 3 Hamid की पॉकेट्स में थे, पॉकेट के अंदर, एंड 5 Amina's pouch, और जो 5 थे वो अमीना के पर्स में थे.
The villagers started for the fair. Hamid was walking along with the other children. अब स्टार्ट जो विलेजर्स हैं वो फेयर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वहां जाना स्टार्ट करते हैं. हामिद वाज वॉकिंग अलोंग विद होता है के साथ, जो हामिद है, हामिद वाज वॉकिंग विद अदर चिल्ड्रन और विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है वो. व्हाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, व्हाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, इतने आराम से क्यों चल रहे हैं. वट एवर कॉट देयर आईज दे वुड स्टैंड एंड They would stand at gap in the wonder. अब वो धीरे धीरे चल रहे हैं. बच्चों की आदत होती है ना, जैसे अगर फेयर वगैरह में जाते हैं, कोई भी टॉय शॉप वगैरह दिख गई या फिर स्वीट शॉप वगैरह दिख गई, तो वहां पे रुके और उनको देखने लगे. बट एवर कोट दे आई, जो भी उनको नजर आता, दे वुड स्टैंड एंड गैप एट, वो क्या करते, वहां पे रुक जाते और गैप एट होता है टू लुक एट इन द वंडर. और जो भी उनको अजीब सा दिखाई दे रहा था, जिसका भी देखकर मतलब उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उनको देखने के लिए वो वहीं पे रुक जाते हैं. ठीक है, इतना ज्यादा मतलब फेयर के अंदर कितनी चहल पहल है, हर जगह टॉयज वगैरह की शॉप्स हैं और गेम्स वगैरह हैं, तो सब उनको देखकर वहीं पे सरप्राइज हो जाते हैं और वहीं रुकते हुए जा रहे हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं. हामिद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट. हामिद ने सोचा कि ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट, कि उसके पैरों में विंग्स लगी हुई है. सडनली दे कुड सी द ईदगाह, अचानक से उन्होंने क्या देखा, ईदगाह को देखा, मीन्स उस टेम्पल को जहाँ पे जिसके लिए वो निकले थे प्रे करने के लिए. There were rows upon rows and worshippers as far as eyes could see. बहुत सारी लाइन्स लगी हुई थी, रोज होता है लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स लगी हुई थी जिसमें जो वर्शिपर्स थे वो लाइन में खड़े थे. एज फॉर एज आइज कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी, जहां तक भी मतलब नजर आ रहा था वहां पे वर्शिपर्स ही थे, जो पूजा करने वाले थे, जो लोग वहां पे गए हुए थे वहीं तक वही दिखाई दे रही थी. ठीक है, स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्टयार्ड, स्पिलिंग होता है कमिंग आउट ऑफ अ लार्ज नंबर, स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्टयार्ड, जो मॉस्क्यू होता है टेम्पल, जो मुस्लिम्स का जो टेम्पल होता है ना उसको बोलते हैं मॉस्क्यू भी. कोर्टयार्ड हियर क्या होता है, स्पिलिंग वो वहां से कोई बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा था, कोई अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था. वेल बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्टयार्ड, जो वो टेम्पल था वहां से. यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं फिर उसके ईद सेलिब्रेट करने के लिए फेयर में, ईदगाह के अंदर. वहां पे क्या है, बहुत सारी रोज देखते हैं जिसमें वर्शिपर्स लाइन में खड़े हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो लाइन में खड़े हैं, जहां तक भी नजर जाती है, बहुत सारी क्राउड है वहां पे, बहुत सारा क्राउड है और उनको वो वहां पहुंच जाते हैं बियॉन्ड द उसके साथ बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्टयार्ड. हियर नीदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर बिकॉज इन द आईज ऑफ इस्लाम ऑल मैन आर इक्वल. हियर अब वहां पे क्या कह रहे हैं, इतनी सारी क्राउड दिखाई दे रही है वहां पे, ऐसा तो नहीं कि जो हायर क्लास होगी या फिर हाई सोसाइटी के जो लोग होंगे वही जाएंगे. नो, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ईदगाह और द मॉस्क्यू, दे ऑल आर इक्वल देयर, वहां पे सभी इक्वल थे. हियर नाइदर वेल्थ नॉर स्टेटस, तो जो मनी है वो मैटर करता है, ना ही स्टेटस किसी भी पर्सन का वो मैटर करता, बिकॉज इन द आईज ऑफ इस्लाम में सभी जो पर्सन है वो इक्वल है, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गॉड, है ना, गॉड के सामने, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने. और जो भी मतलब किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, किसी भी रिलीजन के कोई भी गॉड होते हैं, उनके सामने जितने भी पर्सन होते हैं, जो ह्यूमन बींग होते हैं, वो सभी इक्वल होते हैं. गॉड विल नॉट, गॉड डजंट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन एट द बेसिस, नीदर द बेसिस ऑफ वेल्थ और नॉर द बेसिस ऑफ स्टेटस, मीन्स ना तो स्टेटस के बेस पे ना ही वेल्थ के बेस पे जो गॉड है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. द प्रेयर गोज ओवर, मैन एम्बेरेस्ड ईच अदर, जैसे हग करते हैं ना एक दूसरे को, गले मिला के एक दूसरे को ईद की कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, बधाइयां दे रहे थे.
वहाँ पे प्रेयर का एंड, प्रेयर जैसे ही खत्म होती है एक दूसरे के गले मिलते हैं, देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट सोप, फिर वो मूव कर जाते हैं इधर की तरफ, स्वीट सोप्स लगी हुई है वहां पे उनकी तरफ। अब मैजिक मोर राउंड वुडन हॉर्सेस एंड कैमल्स सस्पेंडेड ऑन रोड्स एंड द टॉयज वंडर्स। जस्ट अ मिनट। हाँ, देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट सोप्स एंड अ मैजिक मोर राउंड वुडन हॉर्सेस एंड कैमल्स सस्पेंडेड ऑन रोड्स एंड द टॉयज वेंडर्स। अब क्या होता है वहां पे, बहुत सारी मीन्स मैरी होता है हैप्पी, ओनली मैरी गो राउंड वुडन हॉर्सेस कैमल सस्पेंडेड ऑन रोड एंड द टॉय वेंडर्स। बहुत सारे टॉयज की शॉप्स थी, जैसे वो होते हैं ना बलून्स वगैरह लेके घूमते रहते हैं फेयर के अंदर, टॉयज वगैरह साथ में कैरी करके रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने शॉप्स वगैरह देखे, स्वीट शॉप्स वगैरह देखे, हॉर्सेस देखे, कैमल्स देखे, बहुत कुछ देखा उन्होंने। एंड हामिद फ्रेंड्स मोहम्मद, हामिद के जो फ्रेंड्स थे हामिद, हामिद फ्रेंड मोहम्मद, मोहसिन, नूरे एंड समी रोड ऑन द, ये है समी रोड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेस। वो राइड कर रहे थे कहाँ पे, जो मोहम्मद है, मोहसिन है, नूरे है और जो समी है, वो राइड कर रहे थे वो कैमल की और हॉर्स की, वहां उनकी सवारी कर रहे थे। जैसे वहां जाओगे ना फेयर के अंदर तो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट वगैरह भी होते हैं कई बार, उनकी राइड करने के लिए आपको मनी देनी होती है, ठीक है, पैसे देने होते हैं, देन यू कैन राइड ऑन द हॉर्सेस और कैमल और एलिफेंट्स वगैरह। तो वो सभी जितने भी फ्रेंड्स थे वो कैमल्स और हॉर्सेस पे राइड कर रहे थे, बट हामिद हैज नो एनफ एनी मनी, नॉट एनफ मनी विच ही कुड राइड द, और विच ही कुड एंजॉय द हॉर्स राइडिंग और कैमल, कि वो तो उसके पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे, उसके पास कितने पैसे थे, ही हैज ओनली 3 पैसा, है ना, 3 रुपीज ही थे उसके पास। हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस, अब वो दूर से ही देखता है बेचारा, उसके पास पैसे तो थे नहीं हामिद के पास, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को दूर से ही देखता है। ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन अ, ट्रेजर होता है मनी, ट्रेजर मीन मनी, ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन एन ऑर्डिनरी राइड। इतनी सिंपल सी जो राइड है, जो वो सवारी कर रहे थे कैमल की और हॉर्स की, वो वेस्ट नहीं करना चाहता था। ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 अपनी जो मनी थी उस पे सिंपल सी राइड पे वेस्ट नहीं करना चाहता था, कौन, हामिद। देन द चिल्ड्रन बोट क्ले टॉयज एंड ही पॉक्ड एट देम विद लॉन्गिंग, होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर अ लिटिल व्हाइल। अब देन द चिल्ड्रन क्ले टॉयज बाय करते हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं मोहसिन और मोहम्मद समी वगैरह, ये सब बाय करते हैं टॉयज, क्ले टॉयज को, और पॉक्ड एट देम विद लॉन्गिंग होपिंग दैट ही कुड कैरी, और ये होप करते हैं वो उनकी तरफ देख रहा है, पॉक्ड होता है लुक्ड, ही पॉक्ड एट देम उनकी तरफ देख रहा है विद लॉन्गिंग होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर अ लिटिल वाइल, कि क्या मैं उसको थोड़ी देर के लिए जस्ट हाथ में ले सकता हूँ, कैरी देम फॉर अ लिटिल वाइल। आफ्टर द टॉयज इट वॉज स्वीट्स, स्वीट्स की बारी आती है, फिर हामिद रिमेन अलूफ, अब अलग रहता है वो, जो हामिद है अलूफ होता है, अवे, ये हामिद रिमेन अवे, जैसे वो यहाँ पे दूर से ही देख रहा था ना जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी वो दूर से देख रहा है। द बॉयज बोट स्वीट्स एंड टीज्ड हामिद, अब देखो वो बच्चा बेचारा उनका फ्रेंड है और वो बाय कर रहे हैं, कभी टॉयज बाय कर रहे हैं, कभी वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और कभी स्वीट्स बाय कर रहे हैं, वो भूखा बेचारा क्योंकि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और वो अलग खड़ा है और जो अदर जो फ्रेंड्स हैं उसके वो स्वीट्स बाय करते हैं, खरीदते हैं और उसको टीज होता है परेशान करना या उसको चिढ़ाना, उसको चिढ़ाते हैं हामिद को। द हार्डवेयर शॉप दैट ले अहेड, उसके बाद हार्डवेयर की शॉप आती है जहां पर लोहे का सामान वगैरह मिलता है, कुछ ऐसा
लोहे का या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि घर में यूज होते हैं. द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज. अब नेक्स्ट जो शॉप आती है वो हार्डवेयर शॉप आती है और उसकी तरफ जो बॉयज हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं है. एंड दे वोट नो एक्सेप्ट हामिद. दे वोट, वो चले जाते हैं वहां से एक्सेप्ट हामिद. हामिद को छोड़कर बाकी सभी वहां से चले जाते हैं. और पेयर ऑफ टंग्स, पेयर ऑफ टंग्स होता है जो हम किचन में यूज करते हैं ना, किसी भी थिंग को पकड़ने के लिए, जिसको चिमटा भी बोलते हैं. अ पेयर ऑफ टंग्स कॉट हिज अटेंशन. उसका ध्यान कहाँ था? उस पेयर ऑफ टंग्स के ऊपर. कॉट हिज अटेंशन, उसका ध्यान वहीं पे ही था. हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव वन. उसकी ग्रैंड मदर के पास उसी चीज की कमी थी. किसकी? पेयर ऑफ टंग्स, टंग्स की कमी थी. इस टाइम सी मेड चपाती. जब भी वो चपाती बनाती, सी बर्न्ड हर फिंगर्स. उसकी जो फिंगर्स थी वो जल जाती थी. ठीक है. इफ ही बोट दीज टंग्स सी वुड बी हैप्पी. अब वो ये सोचता है कि अगर मैं इनको खरीद लेता हूँ, इफ ही बोट दीज टंग्स, अगर मैं इसको खरीद लेता हूँ तो ही वुड बी हैप्पी. जो मेरी ग्रैंड मदर है वो हैप्पी होगी. इट वुड बी अ यूजफुल एक आइटम इन द हाउस. और ये एक यूजफुल आइटम है, मीन्स घर में इसकी कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है. और जिससे मेरी जो मदर है, जो ग्रैंड मदर है, उसके जो हैंड है, जो फिंगर्स है, वो भी नहीं चलेगी. तो ये अच्छा ही आइटम रहेगा. ये आस्क द शॉपकीपर हाउ मच इज दिस फॉर. वह जो शॉपकीपर है उससे पूछता है कि इसका जो प्राइस है वो कितना, कितने का होगा ये, या पेयर ऑफ टॉक्स कितने का मिलेगा मुझे. ही लुक एट द बॉय, बॉय वो बॉय की तरफ देखता है, जो शॉपकीपर है वो बॉय की तरफ देखता है. दिस इज ऑफ नो यूज टू यू. Why are you want to buy this? क्यों खरीदना चाहते हो आप इसे? Why you want to buy this? This is no use to you. इसका तो तुम्हें, इसकी तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. You have to buy toys. Indirectly वो यही कह रहे हैं कि तुम्हें तो क्या जरूरत है, तुम्हें तो स्वीट्स वगैरह खरीदनी चाहिए. क्या जरूरत है? This is no use to you. Is it for sale? क्या ये सेल के लिए है, बिक्री के लिए है ना? Of course, it is for 6 paise. तो वो बताता है कि इसके लिए 6 paise लगेंगे, है ना? ये 6 paise का है. हामिद हार्ट सैड. अब वो बेचारा सोचता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है. फिर वो सैड हो जाता है. He paid the fees courage and sat firmly. वो अपना जो करेज, साहस है, उसको इकट्ठा करता है और मिस साहस के साथ बोलता है सैड फर्मली. और बहुत ही पोलाइटली वे में बोलता है, विल यू टेक द 3? क्या तुम 3 rupees लोगे इसके? हामिद बोलता है उसको, शॉपकीपर को. एंड वाज वन अफ्रेड दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट. स्क्रीम होता है स्कोल्ड. स्क्रीम मीन्स स्कोल्ड, मीन्स चिल्लाना, स्कोल करना, किसी को, किसी के ऊपर एंग्री होना. एंड वाज वन इतना कह के, विल यू टेक दिस, टेक 3? क्या तुम इसके 3 लोगे? जैसे उसने 6 बोला, उसने बोला कि क्या आप इसके 3 लोगे? और इतना कह के वो वहां से भाग जाता है, वहां से चला जाता है. आफ्टर दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट. क्यों? बिकॉज वो डर रहा था. द शॉपकीपर वुड स्कोल्ड एट हिम कि उसको डांट लगेगी शॉपकीपर की, मेरे जो टर्न्स हैं वो 6 paise के हैं और तुम मुझे 3 दे दो. बट द मैन कॉल्ड हिम बैक एंड गेव हिम द टॉन्स. लेकिन जो शॉपकीपर था वो भी बहुत ही काइंड पर्सन था, बहुत ही दयालु था. वो उसको वापिस बुलाता है. बट द मैन कॉल्ड हिम बैक, दोबारा से वापिस बुलाता है उसको. एंड गेव हिम द टॉन्स, और उसको वो वापस दे देता है. जो टॉन्स, केयर ऑफ टॉन्स है, वो उसको दे देता है. हामिद पुट इट ऑन हिज शोल्डर लाइक. अब जो हामिद है वो क्या करता है, हामिद उसको जो टॉम्स में खरीदे थे, जो उसने अपने ग्रैंड मदर के लिए खरीदा था, उसको कैसे कैरी करता है वो देखो. हामिद पुट हिज शोल्डर, पुट इट ऑन हिज सोल्जर्स लाइक अ गन. एक गन की तरह, जैसे गन होती है ना, अपने जो सोल्जर्स हैं उन पे रख लेता है अपने सोल्जर्स के ऊपर. एंड फील्ड विद प्राइड, बहुत ही गर्व फील करता है. एंड ज्वाइन हिज फ्रेंड, और वापिस से अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है. वो अपने ज्वाइन कर लेता है अपने फ्रेंड्स को, मीन्स उनके साथ, उनके पास पहुंच जाता है वो. मोहसिन साइड, अब मोहसिन बोलता है, व्हाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टंग्स.
तुमने क्यों खरीदा है ये, व्हाट विल यू डू विद इट, और तुम क्या करोगे इसका, हामिद क्या करोगे। अब हंसी के साथ बोलते हैं कि व्हाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टक्स, व्हाट विल यू डू विद इट, तुम क्या करोगे इसका। अब महमूद से महमूद बोलते हैं सो यू हैव मेड द टंग ऑफ टॉन्ग्स इन टू अ टॉय, तो क्या तुम इन जो है टॉन्ग्स है इनसे टॉय बनाओगे। अब क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इससे ये कम पैसे में खरीदा, अब इनसे क्या बनाएगा, वो टॉय बनाएगा। हामिद रिप्लाई व्हाई नॉट, क्यों नहीं, इफ आई हिट योर टॉयज विद इट दे विल ऑल ब्रेक, अगर मैं तो अपने इस टॉन्ग से अगर तुम्हारे इसको टॉयज को हिट करूंगा ना तो ये सारे ब्रेक हो जाएंगे, सारे टूट जाएंगे। मॉफिंग थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट हामिद, योर टॉन्ग्स विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे। मोसिन का जो उसने सोचा कि एक नया टॉन्ग मारने हैं, मीन्स उसको नए तरीके से टीज करते हैं। हामिद योर टॉन्ग्स विल बर्न, कि तुम्हारे जो ये टॉन्ग्स है ना, इनकी जो नोज है, जो इस फ्रंट पार्ट है इनका, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये जल जाएंगे, हर रोज फायर के अंदर जल जाएंगे। फिर हामिद कहता है, हामिद हैड अ क्विक रिप्लाई, वो जल्दी से रिप्लाई करता है, ओनली द ब्रेव डेयर जंप इनटू द फायर, केवल जो साहसी पर्सन होते हैं, जो कोरेजियस पर्सन होते हैं, दे हैव द कोरेज टू जंप इनटू द फायर, उनके अंदर ही इतना कोरेज होता है कि वो फायर के अंदर चले जाए। अब देखो कितनी मतलब ऐसी सिचुएशन है, वो अपने जो फीलिंग्स है वो बाहर शो भी नहीं कर रहा है और भूखा है वो, और फिर भी कितना कोरेज, कितना क्विक रिप्लाई देता है वो, है ना। द थ्री बॉयज वर अटरली स्पेस्ड, अब वो बहुत ही मिस ये होता है, खुद को फील करते हैं कि इन्होंने, इसने तो हमें हरा ही दिया, मन में बोलते हैं वो। हामिद हैड वन द फील्ड, और हामिद जीत जाता है वहां पे। नन ऑफ द बॉयज कुड डिस्प्यूट द फैक्ट, कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सका। हामिद बाइस वोज बेस्ट, हामिद ने जो बाय किया था वो बेस्ट था, जो भी कुछ उसने खरीदा था सबसे ज्यादा जो बेस्ट था वो हामिद का ही था। द रिस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमेंडेड फ्रॉम द बैंक्वेट वाज पेड टू हामिद, द अदर्स हैड स्पेंट अप टू 16 पैसे। अब जो हामिद है, द रिस्पेक्ट दैट विक्टर कमांडेड फ्रॉम द बैंक्वेट द डिफीट मंच, एक बार हामिद क्या था यहाँ पे जीत गया था, हामिद की विक्ट्री हुई थी ना, एंड एक बार क्या था, बेशक से चाहे वो हार गया था लेकिन उसकी क्या थी, जीत थी, बेशक से चाहे उसने और कुछ नहीं खरीदा था, लेकिन जो रियल विक्ट्री है, जो रियल विन है वो किसकी है, हामिद की। अदर सेट स्पेंट ऑफ द 16 पैसे, जो अदर बच्चे थे, जितने भी अदर चिल्ड्रन थे, उसके फ्रेंड्स, उन्होंने 16 पैसे स्पेंड किए, मीन्स खर्च किए, ठीक है, एंड बोट नथिंग यूजफुल, बोट नथिंग वर्थ वाइल, कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा जो कि यूजफुल हो। अब वो तो यूजफुल मटेरियल था ना उनके लिए, उसकी फैमिली के लिए भी। पीस टॉक्स बिगन एंड ईच ऑफ द बॉयज बिगन टू स्ट्राइक अ डील, अब आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है सबके बीच में। मोशन सेड लेट मी सी योर टॉन्ग्स, यू कैन कैरी माई टॉयज, अब मोशन कहता है कि मुझे दिखाओ तुम्हारी ये पेयर ऑफ टॉन्ग्स और तुम मेरे टॉयज को, जो मेरे जो टॉयज हैं उनको पकड़ो। हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन, हामिद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो एक्सेप्टिंग सच टर्म्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, एंड द टॉम्स ग्रेजुअली, वो उसके जो मोसिन है, मोसिन के टॉयज हामिद ले लेता है और उसके टॉम्स वो ले लेता है मोसिन, ठीक है। द टॉम्स ग्रेजुअली पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर व्हाइल हामिद वाज अलाउड टू हैंडल द टॉयज, जब उसने अपने हाथ में टॉयज पकड़े हुए थे हामिद ने, तो वो जो बच्चे थे वो कभी एक से कभी दूसरे की तरफ उनको पास कर रहे थे। हामिद टॉम्स वॉज कॉन्सिलियेटरी, कॉन्सिलियेटरी होता है सेम, कॉन्सिलियेटरी में कॉन्सिलियेटरी होता है मीन्स एंग्री। हामिद टॉम्स वॉज कॉन्सिलियेटरी मीन्स एंग्री टॉन्ग में बोलता है I was only teasing you. There is no comparison between these plain steel tongs and your beautiful toys. कि मैं तो जस्ट एक वैसे ही बोल रहा हूँ,
आई वॉज नॉट ओनली टीजिंग यू, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, देर इज नो कंपेरिजन. हाँ ठीक है, मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ. दिस प्लेयर स्टील टोन्स, मेरे तो ये स्टील के ही टोन्स हैं. एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज, तुम्हारे बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल टॉयज हैं, इनके साथ कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ. बट द बॉयज वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो बॉयज है वो कन्विंस नहीं होते. नो बडी इज गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉयज. अब उनको रियलाइज हो जाता है, वो बोलते हैं कि देखो तो कोई भी हमें ब्लेस नहीं करेगा, मीन्स कोई भी हमें हमारी तारीफ नहीं करेगा या हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा उस बात के लिए. नो बडी इज गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉयज, कि हम जो एक टॉयज इतने पैसे खर्च करके हम एक टॉयज लेके आए हैं, कोई भी हमारी प्रेज नहीं करेगा. राइट मौसम, मौसम चिल्लाता है. हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट नन ऑफ द बॉयज मदर वुड बी एज ग्लैड टू सी द टॉम्स एज हिज ग्रैंड मदर वुड बी टू सी द टॉम्स. अब हामिद है वो एक्सेप्ट कर लेता है क्या, नन ऑफ द बॉयज मदर, कि जो उसकी मदर, किसी भी बच्चे की जो मदर है, उसके फ्रेंड्स की जो मदर है, वो खुश नहीं होगी. ग्लैड होता है हैप्पी. वुड बी एज ग्लैड टू सी, ग्लैड होता है हैप्पी, खुश नहीं होगी. टू सी द टॉम्स एज हिज ग्रैंड मदर वुड बी सी द टॉम्स, जैसे जैसे उसकी ग्रैंड मदर खुश होगी ना, ऐसे किसी भी बॉयज की जो मदर है वो खुश नहीं होगी. तो जो वो जो जो भी मेटेरियल उन्होंने खरीदा या बॉयज वगैरह, तो सबसे बेस्ट किसका निकला, हामिद का. ठीक है, अब देखते हैं. हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट नन ऑफ द बॉयज मदर वुड बी, ये हो गया था. महमूद वॉज हंग्री एंड टुक आउट सम बनानास हिज फादर हैड गिवन हिम. He shared them only with the Hamid while others stared with their mouths watering. That was the glory of the Turks. अब जो महमूद है, महमूद बहुत हंग्री हो चुका था, भूखा था, तो उसने बनानास निकाले अपने उसे पोलोथिन से, तो which is given by his father, जो कि उसके फादर ने उसको दिए थे, तो उनको खाता है वो. He shared them only with the Hamid. अब हामिद भूखा था, अब उसको रियलाइज हो जाता है महमूद को, और अपना जो बनाना, अपने जो बनाना चाहे उनको शेयर करता है किसके साथ, हामिद को, हामिद के साथ. वेल अदर स्टेयर विद देयर माउथ वाटरिंग, जो अदर चिल्ड्रन थे उनके मुंह में पानी आ जाता है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली टीजिंग हिम. हामिद को कंटिन्यूअसली टीज कर रहे थे वो, और उसकी तरफ वो जब बनाना खा रहे हैं तो उसको उनकी तरफ देख रहे हैं और उनके मुंह में पानी आया हुआ है. दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टॉम्स, ये सब किसकी वजह से हुआ, टॉम्स की वजह से. दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टॉम्स, ग्लोरी होता है शान, उनकी वजह से हुआ था ये. नेक्स्ट है, बाय 11 o'clock देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द विलेज एज रिवेलर्स वर कमिंग होम. अब जो वहां पे जो वर्सीपर्स गए थे, जो विलेजर्स गए थे, उनको बोला गया यहाँ पे रिवेलर्स. By 11 o'clock there was excitement in the village. Village में बहुत ज्यादा excitement थी 11 o'clock in the village as the revelers were coming home. जो लोग थे वो अपने घरों को वापिस आ रहे थे. On hearing Hamid's voice, Amina rushed forward and picked him up. अब जैसे ही उसकी आवाज सुनती है, जो अमीना है, जो उसकी अम्मा है, ग्रैंड मदर, वो उसकी आवाज सुनती है, वो जल्दी से बाहर आती है एंड पे हिम अप, और उसको लेकर अंदर जाती है. व्हेन शी स्पॉटेड द टॉम्स इन हिज हैंड्स शी वाज टेकन अबैक. व्हेन शी वाज स्पॉटेड द टॉम्स इन हिज, जैसे उसने देखा उसके हाथ में टॉम्स है, शी वाज टेकन अबैक, वो वापस से मुड़ के देखती है उसकी तरफ कि ये क्या है. वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तुम कहां से लेकर आए इसको. आई बॉट इट, तुम कहां से लेकर आए, मैंने इनको खरीदा है. फॉर हाउ मच, और कितने पैसे में खरीदा है. फिर वो बता रहा है फॉर 3 पैसे, कि 3 पैसे में खरीदा है मैंने इनको. अमीना ब्लू एंग्री, अब अमीना बहुत ही गुस्सा हो जाती है. व्हाट अ स्टूपिड बॉय, कितना स्टूपिड, कितना मूर्ख बच्चा है ये. इट इज ऑलमोस्ट नून, दोपहर होने वाली है. ही हैड नो ईटन एनीथिंग. अब देखो जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने,
बाउंडेशन और ब्लड रिलेशन की बात होती है, एक दूसरे को एक दूसरे की फिक्र। हामिद को उसकी ग्रैंड मदर की फिक्र है और ग्रैंड मदर को उसकी फिक्र है कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, इट इज ऑलमोस्ट नून, दोपहर होने वाली है और उसने कुछ नहीं खाया है। इन द एंटायर फेयर कुड नॉट यू फाइंड एनीथिंग बेटर देन दैट दिस टॉम्स, क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला इनके इनसे ज्यादा अच्छा तुम्हें कुछ नहीं मिला इन टॉम्स के अलावा? व्हाट विल यू डू विद इट, तुम क्या करोगे इनका, पागल लड़के क्या करोगे इनका, ये बताओ। हामिद सैड में गई। अब हामिद चुपचाप से बोलता है आराम से, यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपातीस, दैट्स व्हाई आई थॉट इट। अब वो हामिद बोलता है कि यू बर्न योर फिंगर्स, तुम अपने फिंगर्स को आप अपनी फिंगर्स रोज जला देते हो, व्हेन यू मेक चपाती, जब मेरे लिए आप चपाती बनाती हो, दैट्स व्हाई आई बॉट इट, इसीलिए मैंने इसको खरीदा है अम्मा। देन द ओल्ड वुमन टेम्पर चेंज इनटू लव, जो उसका एंगर था, टेम्पर होता है एंगर, जो उसका गुस्सा था अब वो प्यार में चेंज हो जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि देखो कितनी फिकर कर रहा है। बट कंसर्न फॉर अदर्स, कि कितनी फिकर करता है ये दूसरों की ये लड़का। बट अ बिग हर्ट, और कितना बड़ा दिल है, द पुअर बॉय, द लवली बॉय, लिटिल बॉय, हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉयज एंड हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर बाइंग टॉयज एंड स्वीट्स इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ ओनली हिज ग्रैंड मदर। अब देखो हाउ ही मस्ट, कितना मतलब उसने देखा होगा, उसका मन कितना ये किया होगा कि जो जब जो अदर बच्चे थे, अदर जो चिल्ड्रन थे, वो क्या कर रहे थे, बाइंग टॉयज और स्वीट्स, टॉय और स्वीट्स खरीद रहे थे, तो उसने कैसे खुद को रोका होगा, कितना उसने मतलब वो अपने बारे में ना सोचा होगा, कितना सफर किया होगा, कितना दुखी हुआ होगा। इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ ओनली हिज ग्रैंड मदर, ओनली उसने अपने मदर के बारे में ही सोचा, ग्रैंड मदर के बारे में ही सोचा फेयर में, और कुछ नहीं सोचा उसने। ही ब्रोक डाउन, वो बैठ जाती है, द ओल्ड वुमेन अमीना बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल, अब वो लिटिल गर्ल बन जाती है उसके सामने, हामिद के सामने अब वो छोटी बच्ची बन जाती है, बिकॉज नो बडी इज टेकिंग केयर ऑफ हर, कोई भी घर में ऐसा नहीं था जो कि उसकी केयर कर सके, कौन था उसकी केयर करने वाला, ओनली हिज ग्रैंड सन, उसका ग्रैंड सन था, ठीक है। लास्ट ईयर फेल फ्रॉम हर आईज व्हाइल हामिद कम्फर्टेड हर, अब उसको जो लार्ज टीयर फेल डाउन, रोने लग जाती है, खुशी के आंसू है उसके, वो उसकी आई से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और हामिद उसको कंसोल करता है, ठीक है, उसको दिलासा देता है, उसको हग करता है। हामिद द चाइल्ड वाज प्लेइंग द रोल ऑफ हामिद द ओल्ड मैन, अब हामिद एक ऐसा बच्चा है, ऐसा बच्चा था जिसने रोल प्ले किया था किसका, एक ओल्ड मैन, एक बड़े आदमी की तरह, जैसे बड़े जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, जो बड़े होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, वो केयर करते हैं छोटे बच्चों की, ऐसे ही उसने लिटिल गर्ल का ख्याल रखा, लिटिल गर्ल कौन, हामिद ग्रैंड मदर, नॉट इन रियली सी वॉज सी इज लिटिल गर्ल, बट ही फील्स दैट ही वॉज सी वॉज अ लिटिल गर्ल, उसने ऐसा फील किया कि मेरी भी कोई केयर करने वाला है घर में, मुझे भी इम्पोर्टेंस देता है, मेरे बारे में भी कोई सोचता है, तो वो कौन था, हामिद था, ठीक है बच्चों। बोथ प्लेइंग द रोल ऑफ हामिद द ओल्ड मैन। देन अमीदा बिसिस्ट प्रे करती है वो अल्लाह ब्लेसिंग फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, बहुत ही दुआएं मांगती है वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज, हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर, अब जो वो बच्चा है वो कैसे जान पाएगा कि जो मदर है उसके अंदर क्या चल रहा है, मीन्स उसके इनसाइड में जो उसका हार्ट है वो उसके लिए कितनी दुआएं कर रहा है ना, वो सब उसके बारे में नहीं सोच पाएगा। हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर, जो उसके अंदर चल रहा था वो कैसे जान पाएगा, वो इतना प्यार करते हैं उससे और इतना इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अब देखो अब हर किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, तो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की
केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और पेरेंट्स की भी ख्याल रखना चाहिए और उनका हाँ उनका उनकी हेल्प करनी चाहिए जो भी वर्क कर रहे हैं। हम हमारी छोटी सी हेल्प उनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ठीक है, आई होप यू विल नाउ यू विल टेक केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और यू विल स्पेंड योर टाइम सम लिटल टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। बहुत ही अच्छी जब आप उनके बारे में सुनते हो या फिर जब अपनी पास्ट की वो जो बातें बताते हैं तो देखना कितना अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सबको अपने जैसे हामिद ने अपनी ग्रैंड मदर का ख्याल रखा वैसे ही हम सबको भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना। ठीक है, हमें इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी है। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। राइट और रॉन्ग, यू हैव टू टेक द राइट और रॉन्ग ऑप्शन। इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग बिकॉज इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग, इट वॉज ईद ऑन दैट डे, नन बीज अ फेयर हेल्ड इन द विलेज ऑन दैट डे एंड नन ऑफ दीज। थिंक अबाउट इट एंड गिव द आंसर। अमीना वॉज फिल्ड विद सैडनेस ऑन ईद डे बिकॉज अमीना वॉज फिल्ड विद सैडनेस ऑन ईद डे। अमीना थी वो उदास क्यों थी ईद वाले दिन। सी हैड नो मनी टू स्पेंड, उसके पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। हामिद वाज गोइंग अलोन टू ईदगा, वह इसलिए उदास थी क्योंकि हामिद अकेला ईदगा जा रहा था। क्या इसीलिए थी वो। एंड बोथ ए एंड बी या ए और बी दोनों है तो आपको ये वाला टिक करना है, अगर फर्स्ट है तो ये वाला, सेकेंड है तो ये वाला। ठीक है, What did Hamid not to do at fair? Hamid ने क्या नहीं किया फेयर में। He bought Tom, उसने Tom खरीदा। He wasted money, उसने अपनी मनी को वेस्ट कर दिया। माइंड में आंसर आ रहे होंगे ना आपके। Defeated his friends in argument, अपने फ्रेंड्स को आर्ग्यूमेंट में हरा दिया। अब इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड टिक द राइट आंसर। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे ही आप चैप्टर जैसे हमने अभी चैप्टर रीड किया देन यू विल इजीली फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स और फिर यू विल बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। देयर वर ओनली कैश इन द हाउस, देयर इज हामिद पॉकेट एंड इन अमीनाज पाउच, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। यू विल राइट द पैसेज, ओके, द सेंटेंसेस इन योर बुक के अंदर लिखना है आपको। द थ्री बॉयज वर अटरली, यहाँ पे इसके आगे जो भी सेंटेंस आई है, फाइंड इन द टेक्स्ट, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन योर नोटबुक के अंदर लिखना है। हामिद कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज, हामिद वेस्ट नहीं कर सका वेस्ट 1/3 ऑफ हिज टाइम ऑन एन ऑर्डिनरी राइड, नहीं करना चाहता था वो अपनी जो 1/3 पैसे है ऑर्डिनरी राइड पे। वो राइड कौन कौन सी थी वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जो सेकंड पेज है उसके ऊपर ही दिया हुआ है। ओल्ड वुमेन वुमेन्स डैश चेंज इन टू लव, अब यहाँ पे जो बीच में जो ब्लैंक्स जो वर्ड आएंगे आपके ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। द रिस्पेक्ट दैट अ डैश कमेंडेड फ्रॉम द वैंक्विश्ड वाज पेड टू, ये वाले सेंटेंस आपको फिल करने हैं कंप्लीट। फाइंड द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, फाइंड फ्रॉम द बुक एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ अब आंसर इनके क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ट्राई टू राइट द क्वेश्चन इन योर रफ नोटबुक, ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अमीना, अमीना कौन थी। व्हाई वाज शी सैड ऑन द फेस्टिवल डे, और वो उदास क्यों थी फेस्टिवल वाले दिन। डिस्क्राइब ईदगाह सीन इन योर ओन वर्ड्स, ईदगाह का जो सीन था उसको अपने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है। ट्राई टू राइट इन योर इन अ स्मॉल सिंपल सेंटेंसेस, बिल्कुल स्मॉल सेंटेंसेस में आप राइट करोगे तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स।
ओके नेम हामिद फ्रेंड्स, हामिद के फ्रेंड्स थे, उनका नेम लिखना है। हाउ डिड दे एंजॉय एट फेयर, उन्होंने फेयर के अंदर एंजॉय कैसे किया वो आपको लिखना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड हामिद बाय एट द फेयर एंड व्हाय, व्हाट डिड हामिद बाय एट द फेयर एंड व्हाय, मेले में हामिद ने क्या खरीदा फेयर के अंदर एंड क्यों, क्यों खरीदा उसने। यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन नाउ हाउ डिड हामिद डिफीट हिज फ्रेंड इन आर्गुमेंट, उसने कैसे हराया अपने फ्रेंड्स को आर्गुमेंट में। हाउ डिड अमीना रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो दैट हामिद हैड वोट टॉक्स फॉर हर, अमीना का रिएक्शन कैसा था व्हेन शी केम टू नो, जब उसको पता लगा दैट हामिद हैड वोट टॉक्स फॉर हर, कि जो हामिद है उसने जो टॉक्स जो बाय किए हैं वो उसके लिए किए हैं, तो उसका आफ्टर सी नो टू नो टू दैट हामिद हैड वोट टॉक्स फॉर हर, जब उसने यह जब उसको यह पता लग गया कि उसने जो टॉक्स है वो उसके लिए खरीदे हैं, तब उसके बाद का रिएक्शन बताना है आपको, पहले वाला नहीं बाद वाला रिएक्शन बताना है, ठीक है। नाउ रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन, ओनली द ब्रेव डेयर जंप इनटू द फायर, हु सेड दिस स्टेटमेंट इनटू होम, किसने कहा था ये और किसको कहा था। हु डज द स्पीकर कॉल ब्रेव इन दिस स्टेटमेंट, हु इज द ब्रेव पर्सन इन दिस स्टेटमेंट, इन दिस स्टेटमेंट Who does the speaker call brave in the in this statement? Brave किसको बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर, What does speaker mean by the by this statement? और इसका मीनिंग क्या है, What does speaker mean by this statement? इसका रियल मीनिंग क्या है वो बताना है स्टेटमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 4 ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक। यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर रफ नोटबुक एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।